सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। यम द्वितीया के अवसर पर आज दिल्ली सरकार ने यमुना आरती का आयोजन सोनिया विहार दूसरा पुस्ते पर किया। आयोजक दुर्गेश पाठक ने यमुना आरती को अगले वर्ष से 5 दिन करने की घोषणा की। इस अवसर पर सांसद संजय सिंह, पूर्व प्रत्याशी दिलीप पांडे, विधायक श्रीदत्त शर्मा, ताहिर हुसैन, मनोज त्यागी पार्षद, रेखा रानी पूर्व पार्षद सहित मनोज प्रधान सदस्य दिल्ली सरकार स्मार्ट ग्राम सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। ताली बजी नहीं ठीक से, एक बार बड़े भैया श्री संजय सिंह जी, दिलीप पांडे जी, संजय सिंह जी का आशीर्वाद दुर्गेश जी को मिल रहा है। आप सब जोरदार तालियों के साथ इनके मनोबल को बढ़ाएं। अभिनय जी का अभिनंदन कर रहे हैं दुर्गेश पाठक जी, तो जहाँ कहीं हो पूर्व प्रधान जी हो रहा है उनका स्वागत कर रहे हैं। उनसे भी अनुरोध है वो भी मंच पे आ जाएं। और भाई दुर्गेश जी एक बुके देकर के उनका भी स्वागत करेंगे। सर 2 मिनट का समय और दे दीजिए मंच पे। अब मैं आमंत्रित बॉडी बिल्डर है क्या मिलेगी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत ही छोटी अवस्था से, एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाई जाए क्योंकि जितना इनका हौसला बढ़ेगा और इनको देख करके हमारे इस करावल नगर में जितने भी बच्चे हैं, हमारे परिवारों के जो बच्चे हैं उनका उत्साह वर्धन होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बच्चे किसी भी गेम में हो, किसी भी खेल में हो, जब उनको दूज है और जितनी भी मेरी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी का दिन है आज। आज से पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी बसें चलती हैं उसके अंदर महिलाओं को अब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए पूरी की पूरी फ्री व्यवस्था हो गई है। अरविंद जी ने यहाँ पे 5 मोहल्ला क्लिनिक पास किए थे लेकिन किन्हीं कारणों से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप लोग समझदार हैं, मेरा इशारा समझ लेंगे, कुछ लोगों ने छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा के वो काम रोक दिए। लेकिन पिछले 3 महीने में सबसे पहले उन ऑब्जेक्शंस को हटवाया और साथ ही साथ 25 मोहल्ला क्लिनिक और अप्लाई कराए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। उसके बाद यमुना आरती का कार्यक्रम है, इसके उपरांत आप सभी लोगों से अनुरोध कर आदर सम्मान और श्रद्धा के योग्य हैं। बहुत सलीके से तरीके से आयोजन को, जहाँ ये होना चाहिए जिस सलीके से, जिस तरीके से, जिस स्वभाव में होना चाहिए उस स्वभाव में ये कार्यक्रम हो रहा है आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से। और दुर्गेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया के, जितने भी बड़ी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बनी हैं। मेरा तो अप्रतिम सौभाग्य ये रहा कि मैं पैदा हुआ तो गंगा मैया की गोद में, वो मेरी जन्मभूमि रही, और आज यमुना माँ का आंचल जो है मेरी कर्मभूमि बनी हुई है। और मुझे लगता है कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, महिला आगे, महिला सबसे आगे, लेकिन उस सपने को देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आज पूरा किया, भैया दूज के दिन लेडीज फर्स्ट, और दिल्ली के बसों में बस की सेवा फ्री कर दी। चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, किसानों को मुआवजा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। आज दिल्ली की सरकार के कामों की चर्चा अमेरिका में हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज लोग कहते हैं केजरीवाल से सीखो, दुर्गेश पाठक से सीखो, दिलीप पांडे से सीखो।
एसडी शर्मा से सीखो। ये बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति में आया है और ये आपके प्यार, आपके स्नेह, आपके सहयोग से आया है। जो बिल्कुल ठीक कहा दुर्गेश ने, पहला चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे 13 में, ना हमारे पास पैसे थे, ना हमें कोई जानता था, लोगों ने चंदा भी दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया। छोटे भाई दुर्गेश के लिए आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, अपना तन मन धन सब इसके लिए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। जब से समझदार हुए, एक वाक्य सुनते आ रहे थे, लेडीज फर्स्ट, महिला प्रथम। उस सपने को केजरीवाल जी ने देश की राजधानी दिल्ली में पूरा करके दिखाया। आज देश की राजधानी दिल्ली में एशिया का पहला शहर दिल्ली बन गया, जहां पर बस की सेवा माताओं बहनों के लिए भैया दूज से फ्री कर दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इससे प्रदूषण कम होगा, वाहनों का उपयोग कम होगा, तो ये कई मायनों में बहुत अच्छा फैसला है। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? ये यमुना आरती का बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, दुर्गेश पाठक जी और बाकी साथियों के सहयोग से भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए और माँ यमुना के सामने संकल्प लिया, इसको कैसे पवित्र रखेंगे, कैसे स्वच्छ रखेंगे। आज दिल्ली सरकार ने यमुना के तट पर यमुना आरती का आयोजन किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं जितने भी अपने हमारा जो क्षेत्र है वो हम लोग कहा जाता है कि यमुना के किनारे हैं, सांस्कृतिक हमारे वेदों में, हमारी साहित्य में, हमारी जितनी भी धर्म है उसमें माता यमुना माता गंगा का एक बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज किसी न किसी तरह से मेरा एक छोटा सा रोल उसमें रहा है और जितने भी हमारे करावल नगर के कार्यकर्ता उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में मांग की गई कि मंदिर के पुजारियों को भी वेतन दिया जाए, इसके बारे में मैं उसकी बात मेरे से पहले भी चर्चा हो चुकी है 2-3 दिन पहले,
और उसकी बात में तुरंत ही अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखेंगे बातचीत और उसके ऊपर जितना जल्दी हो सकता है काम कराने करेंगे। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को फ्री सेवा का जो दिया, मैं सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को भी, क्योंकि हर कोई घर में तो एक दो महिला रहती ही हैं, तो सबको मुझे लगता है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदा है और ख़ासकर जो हमारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये लोग कमाते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ, हमारे करावल नगर से नोएडा जाती हैं काम करने के लिए, आनंद विहार जाते हैं काम करने के लिए, उनका हर दिन का 40-50 रुपए का एक तरीके से खर्चा है बस के अंदर, वो बचेगा। और कहते हैं कि कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता जहाँ से उनकी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था ना हो। ये पूरी दुनिया में माना गया कि जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं वो महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो इस माध्यम से, इस योजना से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट व्हीकल का, बसों का इस्तेमाल करेंगी और जो दिल्ली एक तरीके से थोड़ी बहुत असुरक्षित है उसको सुरक्षित बनने में बहुत बड़ा योगदान है। 10 तारीख और 15 तारीख को इसका उद्घाटन है, एक बस की नई लाइन शुरू हो रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। दुनिया में घर भी बनाते हो, 4 दिन में तो घर नहीं बनता भाई, सब समय तो लगता है, 4-5 महीने तो मैं कही रहा हूँ, 5-6 महीने बढ़िया बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आज का प्रोग्राम दिल्ली सरकार की तरफ से दुर्गेश पाठक जी के प्रयास से बहुत सफल हुआ और हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आप जमुना मैया की आरती का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा हुआ, इससे हमारी संस्कृति भी जिंदी है। मैं जितने भी अपने हिंदी अकादमी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद जी, खासतौर पर अरविंद जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा पूरा आश्वासन दिया और काम हुआ। आज देख रहे हो यहाँ की जनता कितनी खुश है, करावल नगर की जनता जो सबसे पीछे का विधानसभा कही जाती है आज सबसे आगे की वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं इसे फिर दोबारा से सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी आए हुए जितने भी हमारे करावल नगर के साथी हैं, बराबर की विधानसभा, घंडा विधानसभा हो, सिलमपुर विधानसभा हो या गोकलपुर विधानसभा हो, जहाँ से भी लोग आ गए उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी आयोजक हैं यहाँ पर, यहाँ के करावल नगर के विधानसभा के, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सुबह से आज इसी कार्यक्रम की तैयारी में लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने दुर्गेश पाठक जी का करता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है छठ के काम धीरे चले, छठ के काम कोई धीरे नहीं चले, आप छठ के एक दिन पहले सारे हमारे टेंट की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था पहले ही आपको मिल जाएगी, जब आप नहीं पूछ पाओगे कि भाई धीमी चल रही है या तेज चल रही है, 2 दिन अभी 2-3 दिन है उसके अंदर अंदर पूरे हमारे कार्यक्रम हो जाएंगे। आज यमुना के तट पर दिल्ली में सोनिया विहार में जो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यमुना आरती का, ये बहुत ही सुंदर, बहुत हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए, इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ना सिर्फ दिल्ली सरकार के सभी बड़े लीडर्स यहाँ उपस्थित थे, इनके अलावा जितने हमारे बहुत मठाधीश्वर साधु संत जो है वो भी यहाँ आए हुए थे, सभी का आशीर्वाद यहाँ मिला और सभी का सहयोग मिला। तो मैं एक तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, खास तौर से दुर्गेश जी का जिन्होंने मेन इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और इसके साथ ही मैं मानती हूँ कि दिल्ली की लाइफलाइन है यमुना, और हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी कहीं ना कहीं यमुना का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में नदियों को भगवान माना जाता है, हम यमुना मैया कहते हैं, और इसकी आरती करके आज यहाँ बहुत बड़े पुण्य के सहभागी हम भी रहे हैं, और इसमें सभी लाखों यहाँ देख, आप देख सकते हैं हुजूम जो पूरा उमड़ा हुआ है, हजारों लोग यहाँ शामिल है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, धर्म की आस्था तो है, लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार से भी जो काम कर रही है दिल्ली सरकार, उसका भी बहुत बड़ा ये एक समर्थन है, उसके समर्थन में लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए दी है, दिल्ली में, दिल्ली के हर वर्ग के लिए, हर समाज के तबके के लिए, और आज जो स्पेशल महिलाओं के लिए DTC की बसों में फ्री सवारी का जो आयोजन किया है, ये पहले भी होता था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए होता था, रक्षाबंधन और भैया दूज के लिए, लेकिन अब जो है हमेशा के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से DTC में फ्री होगा, तो ये एक बहुत बड़ी एक तोहफा है हम लोगों के लिए, और भैया दूज के अवसर पर ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, दुर्गेश जी जिस तरीके से करावल नगर में अपना काम कर रहे हैं, और
बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, हजारों लोगों का हुजूम आज यहाँ था, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था थी, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार फिर से एक बार सत्ता में आएगी। आज करावल नगर विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे इस पावन तट पर यमुना नदी के किनारे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यमुना आरती का हुआ है। इस मौके पर दिल्ली सरकार के भाई दुर्गेश पाठक जी और संजय सिंह जी और श्री दत्त विधायक जी और बहुत सारे तमाम कार्यकर्ता है, और मैं भगवान से ऐसी आशा करता हूं कि इस यमुना तट के किनारे ऐसे प्रोग्राम हम लगातार दिल्ली सरकार हमेशा करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम यमुना मैया के प्रांगण में और यमुना मैया की भाव में आज महा आरती का आयोजन किया गया, जो कि जिसकी अध्यक्षता भाई दुर्गेश पाठक जी कर रहे थे। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ, पूरे करावल नगर की अथाह जनता जन समूह यहाँ पे आए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। कार्यक्रम के संयोजक, आरती के संयोजक बड़े भाई और बहुत ही सम्मानित महापंडित श्री चंद्रमणि मिश्रा जी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे बीच में यहाँ पे माँ मंडलेश्वर आए थे, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला, तो और बड़ा अच्छा मैसेज इस महाआरती से गया कि यमुना मैया की सफाई का जिम्मेवारी हमारी आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, और सफाई के साथ साथ कि हम उसे गंदा ही ना होने दें, उसमें गंदगी ना फैलने दें, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, जिसके लिए दुर्गेश पाठक जी का बड़ा अच्छा कदम है ये आरती के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना। कि आज के इस प्रोग्राम को श्री भाई दुर्गेश पाठक जी ने बहुत मेहनत से तैयार कराया, जिसमें सभी लोगों का, करावल नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का साथ रहा, और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगली बार से ये प्रोग्राम 5 दिन चला करेगा, तो इस पर हम कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये उसी तरह से तैयार हो। धन्यवाद।